तो क्या हाल है भाई सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई मुफासा रेक्स ने अपनी पूरी की पूरी ईपी आउट कर दी और ईपी है फ्लावर्स टू माय ग्रेव। और भाई पूरी ईपी में 6 ट्रैक हैं और पूरे आउट कर दिए हैं। तो मैं भाई के टोटल ईपी के जितने भी ट्रैक है ना उन सब पे रिएक्ट करने वाला हूँ। और 15-15 मिनट के गैप के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे सब आउट हो जाएगी एक ईपी की तरह और पूरा रिएक्शन आपको आउट मिल जाएगा। तो सबसे पहले पहले नंबर ट्रैक से चालू करेंगे और स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। हमारा हेडफोन तो खराब हो गया है बट हम ईयरफोन से काम चला रहे हैं। वैसे अच्छा साउंड हमारी ये ईयरफोन देती है क्योंकि MI कंपनी की है। 350 की ली थी मैंने, 350 की। चलो भाई के प्रोफाइल में जाते हैं और पहला ट्रैक EP का सुनते हैं, लेट्स गो। ये पांचवा, ये तीसरा है, ये दूसरा है, पहला ये है। और भाई ने पहले और भी EP आउट कर रखे हैं। भाई मैं सुनता हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई को। एड आ गया यार, ट्रैक का नाम है नॉट इन माई सेंस, लेट्स गो। बीट काफी अच्छी है, स्मूथ है। क्या बीट है, फ्लावर्स इन माय ग्रेव। देखूं पहले जैसा लगता नहीं, खुशी दिखा के सबको गुमराह करना लगता सही। अच्छा, ना आईने में देखूं मैं पहले जैसा लगता नहीं और खुद ही घुमा के लोगों की गुमराह रहता नहीं, मतलब खुद ही घुमा के मैं आजकल गुमराह रहता नहीं। देखो क्या लाइन है यार स्टार्टिंग में। आईने में देखूं पहले जैसा लगता नहीं, खुशी दिखा के सबको गुमराह करना लगता सही। आधा साल गुजरा जाना तुझ पे लिख के कहानी, अब तू कहना प्यार की मैं करता बातें नहीं। यहाँ पूरी प्यार वाली बातें हैं, मतलब दिल टूटा है और गाने पे गाने भाई ने निकाल दिया, मतलब पूरी EP में 6 ट्रैक निकालते हैं। यहाँ की जो लाइन स्टार्टिंग के शुरू हुई ना भाई, वही तो सुनते हैं अब। मैं न मर्द ना दवा कोई, अब अपनों के अलावा तू कहीं भी मिलती नहीं। हाय हाय, एक दरवा मेरी आशिकी, ओहो इसमें तेरी जाना गलती नहीं। हाय हाय, अकेला जानता हूँ मैं फिर से तेरे हाथों में कैसे ये दिल थमाऊं। मैं कितना दूर आ गया हूँ, अब मेरे दिल लगी के किससे कितनों को बताऊं। भाई साहब क्या लिखा ही है, मैं लाख शायरी सुनाऊं पर जानती है तू भी के मैं तुझ पे ही फना हूं। मैं तेरी बात मानता हूँ, तू कह दे रुक जाए घड़ी तो खुद को मैं जिला। तेरी बात मानता हूँ हर घड़ी, और तू जो रुक जाए तो मैं खुद को चलाता हूँ। भाई काफी बढ़िया। क्या बीट है यार, नजर तो कर इधर, मैं हूँ यहीं पे, मैं काटने तैयार जिंदगी तेरे तरीके। जब लिखने में है मार तो फिर खून की क्यों छीटे, तुम ना तोड़ते ये दिल तो रहते ना कहीं के। फिर कैसे लिखता गाने, ना होता नाम शामिल, आता ये मुफासा ना दर्द होता था क्या। ना लिखता मैं गाने और ना था ना आता ये मुफासा, और कहाँ से होता ये दर्द जाहिर, मतलब लोगों तक दर्द कैसे पहुंचता अगर वो लड़की ना होती जिससे भाई प्यार करता था। भाई काफी बढ़िया यार, क्या लाइन लिखी है मुफासा भाई। मैं तो पहले सुनता नहीं आपको, बट मजा आ गया, बिग फैन आपका इस ट्रैक से ही, पहले ट्रैक से ही। कहते इसको वाइब है, ये पेन है मेरा आखिर, आइस ऑन माय वेंस, मैं दिल टूटा काफी। ओहो क्या बात है यार, क्या देखा ये है। काफी अच्छा ट्रैक है, खत्म यही। काफी ज्यादा मजा आया और काफी अच्छा ट्रैक है, मतलब यहाँ पूरे दुख दर्द पूरी प्यार भरी कहानी कहानी के ऊपर पूरी EP होने वाली है। मुझे लग गया ये इंट्रो था, पहला ट्रैक था। और भी ट्रैक है वो भी सुनते हैं, और 15-15 मिनट के गैप के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आउट कर दूंगा। तो
दूसरा भी अभी सुनते हैं। वैसे पता हो ना भाई, बीट भी काफी अच्छी है और भाई की लिखाई भाई काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब जो दुख दर्द बया होती है वो आवाज में भी भाई के दिख रहे हैं, और सही में एक सामने से अटैचमेंट हो रही है लोगों से, वो चीज बढ़िया लगी मुझे। और मिलते हैं भाई दूसरे रिएक्शन, दूसरी इस ईपी के दूसरे ट्रैक के रिएक्शन पे, तब तक।